अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। ओंकार मेरे ही कारण से प्राणी अपने शरीर के भीतर और बाहर के कार्य संपादित करता है। मैं ही उनके हृदय का स्पंदन और झंकार, मैं ओंकार हूं। असुरगण देवगुरु को पकड़कर शुंभ निशुंभ के सम्मुख लाते हैं, किंतु देवगुरु उनकी चेतावनियों की चिंता किए बिना अदृश्य हो जाते हैं। आकाश में पीड़ित देवगण को ऋषि भेष में नारद शौनक ऋषि के आश्रम में लाते हैं, किंतु शुंभ निशुंभ का गुप्तचर ये देख उन्हें सूचित करता है और शुंभ निशुंभ की आज्ञा से असुरों को साथ ले देवगण को समाप्त करने हेतु शौनक ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर मार काट प्रारंभ करता है, किंतु शौनक ऋषि का तेज उनकी रक्षा करता है। भयभीत असुर पुनः शुंभ निशुंभ की शरण में जाते हैं। ऋषिगण भोलेनाथ को याद करते हैं, शिवगण कैलाश पर शिव स्तुति कर रहे हैं और भगवान शिव आराधना में लीन पार्वती को मनाने का प्रयत्न करते हैं। तत्पश्चात रौद्र रूप धारण कर नृत्य करते हैं। ऋषिगण की पुकार सुन ब्रह्मा व शिव जी शुंभ निशुंभ की समाप्ति के लिए चर्चा करते हैं। और माता पार्वती के बिना कैलाश सूखा हो गया था। अतीत की पीड़ा भूल जाओ, वर्तमान का आनंद लो और गौरी शंकर की जय बोलो। कैलाश पति महेश्वर की जय, माता पार्वती की जय। देवी पार्वती, ऐसा प्रतीत होता है कि एक अंतराल के पश्चात हम कैलाश पर आए। हाँ स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है हमारे यहाँ पुनः आने से यहाँ का कोना कोना हर्षित और पुलकित हो रहा है। लगता है हमारे पुनरागमन से यहाँ का पवन भी नृत्य कर रहा है। प्रसन्न और पुलकित होकर पवन नृत्य मग्न है। प्रसन्न तो हम भी क्यों ना नृत्य करें। अर्थात मैं आपके साथ नृत्य करूं? आप तो नटराज हैं, मैं कब तक नृत्य में आपका साथ दे सकूंगी। मैं शिव तो तुम भी शक्ति। जब नृत्य में मग्न हो जाएंगे तो साथ और संग बना रहे हो।
प्रदान करूंगी और इसका नाम सोमनंदी होगा।
साथ और माता पार्वती को प्रणाम। भगवान, बाघ बनने का मेरा उद्देश्य तपस्या के समय माता की सेवा और सुरक्षा करना ही था। वो कार्य तो पूर्ण हुआ, किंतु मैं माता की सेवा से मुक्त होना नहीं चाहता। भगवान, अब क्या सेवा करोगे? सुनने, अब मैं सदा सदा के लिए माता पार्वती के अंतपुर के द्वार पर द्वारपाल बन के रहूंगा। भगवान, गणाध्यक्ष नंदी, सोमनंदी अब तुम्हारा साथी है। देवी पार्वती की सेवा में इन्हें सहयोग प्रदान करना तुम्हारा कर्तव्य है। सोमनंदी के रूप में नया साथी पाके मेरा मन बहुत प्रसन्न है भोलेनाथ। माता पार्वती की सेवा में अब कोई त्रुटि नहीं रहेगी भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। कल्याण भाव। हे सत्पुरुष, मैं आपको प्रथम बार यहां देख रहा हूं, क्या आप अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे? नारद, यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि ये देवी पार्वती का वाहन वही बाघ है जिसने। समझ गया भोलेनाथ, मैं समझ गया। आपके चरणों में आकर माता पार्वती के वाहन का भयानक रूप सौम्य रूप में परिवर्तित हो गया, मैं समझ गया। और इस कण का नाम सोमनंदी है। उत्तम, अति उत्तम। भगवान भोलेनाथ के गणाध्यक्ष नंदी महाराज और आपके गणाध्यक्ष सोमनंदी, दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। वो तो अच्छी रहेगी ही, अब ये भी अच्छा रहेगा यदि तुम अपने यहाँ आने का उद्देश्य स्पष्ट करो। हाँ नारद, बिना उद्देश्य तो आप कभी आते नहीं। माता, मेरे आने का सदा एक ही उद्देश्य होता है और वो ये है कि भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से दुखियों का दुख दूर करना। इस बार किन दुखियों के विषय में कहने आए हो? माता, क्या आप शरणार्थी देवताओं और शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से परिचित नहीं है? हे भोलेनाथ, अब ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता, आप कुछ उपाय करें। नारद, अजन्मा गौरी पुत्री कौशिकी का अवतार किस लिए हुआ है? इस सत्य से तो तुम अनभिज्ञ नहीं, इसीलिए दुख से उबरने के लिए देवताओं के लिए यही उचित होगा कि वे उनकी शरण ग्रहण करें। शक्ति स्वरूपा माता, भगवान भोलेनाथ के इस परामर्श में क्या आपकी भी सहमति है? नारद, संपूर्ण कार्य तो दोनों की सहमति से ही पूर्ण होते हैं। मुझसे उत्पन्न कौशिकी को मैं समय समय पर पूर्ण सहायता प्रदान करूंगी, इस ओर से तुम निश्चिंत रहो। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, जब मैं इन देवताओं से बचकर रहना चाहता हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे चले आते हैं, और जब मैं इन देवताओं के हित के लिए इन्हें ढूंढता हूँ तो ये दिखाई नहीं देते। नारायण नारायण, मैं तो ये चाहता था कि इन देवताओं को उनकी दुख निवृत्ति का उपाय बताऊं, पर किसे बताऊं और कैसे बताऊं? किंतु मैंने प्रयत्न किया है, अब उपाय ना बताने का दोष मुझ पर नहीं, मैं तो चला भगवान श्री हरि विष्णु। उपाय बताएं, हमें निवृत्त होने का उपाय बताएं, हम तो स्वयं आपको खोजते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। नारायण नारायण, यदि आप मुझे ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे थे तो मुझे आप दिखाई क्यों नहीं दिए? सत्य तो ये है देवऋषि कि शुंभ निशुंभ के अत्याचारी राक्षसों से बचने के लिए हम अदृश्य होने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करते रहते हैं। यदि आप अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते तो हम आपको अवश्य दिखाई देते। स्वर्ग विजेता नेत्रराज, शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता नेत्रराज, शुंभ निशुंभ। देवर्षि, आप भी अदृश्य हो जाओ, अन्यथा वे आप पर भी प्रहार करेंगे। नारायण नारायण, स्वर्ग विजेता नेत्रराज।
शुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। देवशी, इस संकट की मुक्ति के लिए हम क्या करें? भगवान भोलेनाथ ने परामर्श दिया है कि आप माता पार्वती से उत्पन्न देवी कौशिकी की शरण में जाएं। देवी कौशिकी की शरण में जाएं? हाँ, शुंभ निशुंभ का अंत उन्हीं के हाथों होगा और माता पार्वती इस महान कार्य में उनकी सहायता करेंगी। बताएं देवर्षि, देवी कौशिकी कहाँ मिलेंगी? हम इसी समय उनकी शरण में जाना चाहते हैं। हिमालय के उच्च शिखर पर उनका महालय है, आप चलें मेरे साथ, मैं भी देवी कौशिकी के दर्शन के लिए अति उत्सुक हूँ। देवी कौशिकी की जय। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। कौशिकी है कौन? महादेवी कौशिकी की जय। शक्ति स्वरूपिणी 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 महादेवी कौशिकी की जय। महादेवी कौशिकी, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार आप ही उन दुष्ट असुरों का संहार कर सकती हैं। ये असुर बार बार आकर हमारे यज्ञ तथा धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा पहुंचाते हैं। शुंभ निशुंभ को महापराक्रमी तथा सर्वशक्तिमान सिद्ध करने के लिए हम पर अत्याचार करते हैं। इन असुरों का नाश करके धर्म की रक्षा करिए महादेवी कौशिकी। असुर वीरों, ये ऋषि मुनि हमारा अंत करना चाहते हैं। अब तुरंत हमें इन ऋषि मुनियों का अंत करना होगा। समाप्त करता इन सबको।